कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजीपुर। यहाँ का एड्रेस आपको कैसे मिला? नेट पर देखी थी। क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत परेशानी हम लोग थे, नेट पर देखे आपके पास आए। कोई दिक्कत नहीं होती है आने में? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत परेशानी पहले से। पहले क्या दिक्कत होती है कि फिर आप यूट्यूब पे ये सब ढूंढे या फिर यहाँ आए हैं? दिल दिमाग हैरानी परेशानी विभिन्न प्रकार की बीमारी लगी रहती है। पूछिए कौन है आज? क्या नाम है? कौन नाम? बरम है। बरम कहाँ का? बरम है घाट। बरम है घर का। कितना कैसे मरे? बहुत बुरा नाम है। नाम हो अरे नाम नाम कितने पुराने हो? बुनियादी पर कहो साफ बोलो। बुनियादी पर कहो तो इसे लिए रो। सही सही बताओ। सही सही बोल रहे हैं। कितने क्या उम्र है तुम्हारी? ओके करके भेजे हैं। कौन भेजा? बुनियाद पर किसके दर्द है? तो बोलो चुप होने के लिए। हेलो बोलो चुप होने के लिए। उसके दर्द है भेजे हैं। क्या नाम है उसका जो भेजा है? नाम क्या है उसका? नाम बताओ जो भेजा है भेजवाया है। भेजने वाला कौन है? मर गया, मर गया। नाम नाम क्या था उसका? सीतारामा। सीतारामा किससे भेजवाया? इसके बुनियाद है, इसके घर पर आया था। वो खुद भेजा था या कुछ भेजवाया था? भेजवाया था नहीं, आया था खुद। हाँ आया। क्या करने के लिए तुमको भेजा? आया इसकी घरे, आया उसकी घरे। क्या करने के लिए तुम लोग को भेजा है? अपन घर छुड़ा करके भेज दिया इसको, उसको अपना घर भर के परेशान कर दिया। अपना घर छुड़ा करके हमारे घर पे पूरा घर के परेशान कर रही है। तो क्या क्या नुकसान करे तुम इसका? बहुत नुकसान कर दिया। क्या जैसे बताओ? घर के पिया के बर्बाद कर दिया। इसके घर में पतो मर गया। कैसे मरा? जर के मर गया। जर ही कैसे? जर में हंसी के हद के हम हंसी हंसी में आग लगा दिया। बाकी आग लगाई दूसर कोई। कौन लगाई? भूत लगाई। ऐसा हुआ? और क्या कर रहे हो? और इसका भय भाग मर गया जर खार के। बोल रहा ऐसा ऐसा हुआ है? हमन तो कुल है जो वही भी सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे घर में हम तो मान लो चूली चौका अलग कर लिए, लेकिन हमारे घर तो तू आवत ना जब बोला ले काहे तो हम अपने घर पर तो पुराने घर पर तो नहीं जाते हैं। जाले काहे को पेटवा बोले ना सुना बतिया ना सुना तो फोन में बतिया ले जा कैसे बतिया ले तो तोर बेटा का बोले ना सर बैठे ना सो उठेला। हमरे लड़कवा पे का दिक्कत है? हमरे घरवा में का दिक्कत है? घरवा में हां एक बरम है ना रे। एक बरम है कर ससुराल। एक ससुराल का? एक ससुराल का बरम। अच्छा इसको परेशान करता कौन किया है? ससुराल ससुराल का ससुर के है। एक ससुर किया? ससुर के है पूरा हिताई हिताई घूमता। करा कौन है इसको? इसको बहिन का मेहरारू का बहिन कब कहिए बस इसको आ घूमता है। नाम का उसका? नाम उसका दर्द आया मर गया। मर गया उसमें मर गया बाकी उसका दर्द याद क्या। और कुछ पूछ? घर से पश्चिम है कि पूरब है? ए साइड में। पश्चिम में। कौन साइड? पश्चिम साइड। अच्छा ये बताओ तो फिर हमारे घर में और लड़कों हमारा छोटका क्या है दिक्कत तुमसे? लड़कों के पुलाई के परेशान कर जा रहे जाने तक। छोटका लड़कों के हमरे हां पुलाई के परेशान कर जा रहा तो उनके घरवा में सब के। अच्छा तो पूरा गठरी लेकर के जाओगे ना? चल बाबा के सामने देखो बाबा जी। जाई बाबा कहां जाओ? ठीक है जहाँ भेज देंगे वहाँ चले जाना और आगे आओ। अब तो जन्म जन्म का छिया करोगे ना? जन्म जन्म की चाहे अभी नहीं आएगी बाबा। आ भी नहीं पाओगे।
आँख में देखो, चलो बाबा पीछे। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीक्ट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जा, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीक्ट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा, दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो, सही है। मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे, सही है ना। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें, नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है, वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा,
उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, दो दिन गुरुवार और रविवार दो दिन 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।